हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। आई होप आप सभी को ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको, अगर आप चाहे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। और अब तो आपके एग्जाम में थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अब आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम लोग आपका मॉडरेट लेवल के सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ताकि आप लोगों को एक बेसिक से आइडिया पता चल रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आप लोग उसी तरीके के क्वेश्चन की आगे भी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन में आपको मॉडरेट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो चलिए, आप लोग इसको ट्राई करते चलिए और आंसर मुझे बताते चलिए, ठीक है। अगर आप मेरा ये वीडियो प्रीमायर में देख रहे हो तो आप लोग भी आंसर मुझे मेरे साथ देते चलो, ठीक है। और अगर आप मेरा वीडियो बाद में देखोगे तो आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज या फिर फॉरवर्ड करके आप लोग देख लेना, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, अब आज का सेशन मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन मैंने कोशिश किया हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, ताकि आपका किसी को भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू, आपको इसका वैल्यू बताना है और आपको ये एक छोटा सा कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बी सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी इन तीनों का वैल्यू अगर आप निकालोगे तभी आप यहाँ पर पुट करके इसको आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए बी और सी का वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो इसके मदद से अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इस वाले कंडीशन का मदद से हम लोग ए और बी और सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, अब ये चीज को ध्यान से देखना और समझना। यहां पर क्या दे रखा है, 1/2 और यहां पर आपका क्या 15/52। तो यहां पर हम लोग कंपेयर करके निकालेंगे इसका वैल्यू कैसे। तो देखो, ए प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो देखो 1/2 है। अगर आप इसको ऊपर लेके आते हो तो मतलब समझना, अगर इसको आप ऊपर लेके आओगे तो सब क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। यानी अगर आप इसको अगर इस तरीके से लिखते हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, 52/15 हो जाएगा, यानी 52/15 हो जाएगा। आप मान लो कि 1/15/52 कर दियो तो ये चीज आपको ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलो पहले। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, तो ये चीज आपको समझना होगा यहाँ पर। अब आप जब यहां तक आप समझ गए हो तो अब आगे देखो, अब आप आगे देखो 52/15 है क्योंकि आप कंपेयर करके ही ए बी और सी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो 52/15 अगर आप इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो मैं यहाँ लिखता हूं 15 × 3 = 45 और 45 और 7 = 52, यानी ये 7/15 हो जाएगा। बोलो यहां तक सबको क्लियर है। अब यहां पर आप कंपेयर करो, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा ए का वैल्यू 3 हो गया, ए का वैल्यू 3 हो गया और ये बचा हुआ प्लस के बाद जो भी है वो आपका 7/15 के बराबर है। अब फिर से देखो 1/B प्लस 1/C है, अब फिर से वैसे ही करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा बी प्लस 1/C किसके बराबर होगा, तो 15/7 के बराबर होगा। अब फिर से उसको उल्टा कर देंगे तो ये 15/7 हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है। अब फिर से वैसे ही करेंगे, अब इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 7 × 2 = 14, यानी आपका 14 और 1 = 15 हो जाएगा, यानी ये भी आपका 7 आ गया। अब यहां से आपका कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और सी का वैल्यू ध्यान से देखो 1/C है, यानी 1/7, यानी सी का वैल्यू क्या आ गया, 7 हो गया। यानी आपको वैल्यू पता चल गया, ए का 3 होगा, बी का 2 होगा और सी का 7 होगा। क्लियर है, बस यही चीज आपको पता करना। अब यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सबको हटाता हूँ इस यहाँ पास, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो ये 1/B का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू आपका आपका बी का वैल्यू 2 था, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया प्लस 1/C का वैल्यू आपका 7 था, 7 और 1/3 था, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ, तो 7 × 3 = 21 और 21 = 22, 22/3, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 प्लस और आपका 3 और नीचे 22 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 22 × 2 = 44 और 44 × 3 = 47 और 22 फिर आपका ऊपर चला जाएगा, यानी 22/47 करेक्ट आंसर होगा, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। और यहाँ पर मैं आपको स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, अगर आपको समझ आएगा तभी आप फिर आगे भी बना पाओगे कभी, वरना अगर मैं इसको शॉर्टकट में बनाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप शुरुआती दौर पे हो तो इसलिए मैं बोलता हूँ, शुरुआती दौर पे हो तो आपको हर कुछ लिख लिख के पहले समझते चलना है, ठीक है, वरना फिर अगर आप पहले से ही अगर काट काट के लिखोगे ना तो फिर आपका कहीं ना कहीं बेस कमजोर रह जाएगा, तो इसलिए आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। तो चलिए, अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट है,
तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 32, अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो मेरे नीचे क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 जीरो लगेंगे। बोलो यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब आप मुझे बताओ, 0.6 आपका ऊपर है, ठीक है। अब मैं बताओ, अगर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो किस तरीके से अब लिख सकता हूँ, 2 के पावर में, अगर मैं लिखता हूँ 2 के पावर में 5 और नीचे में आपको क्या होगा, 10 के पावर में 5। बोलो इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और इसी के पावर में क्या है आपका, 0.6 है, 0.6 होगा कि नहीं। अब आपको पता है अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये क्या होगा, 0.65 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ देखो 0.6 × 5 क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया, यानी 2 के पावर में 3 हो जाएगा, और वैसे ही नीचे के भी पावर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 के पावर में 3 हो गया, तो 2 के पावर में 3 मतलब 8 और नीचे क्या हो जाएगा, 1000। अब आप इसको पॉइंट में फिर से चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगा जो कि आपका लास्ट डिजिट 8 होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है अगर आपको याद हो तो, और एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना है इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये रूट के अंदर में है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है सभी आपका रूट से बाहर निकला हुआ है, तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से आपको करना है जिससे ये आपका रूट से बाहर निकल जाए। तो मैं यहां पर अगर देखता हूं तो देखो ये √15 है, ठीक है, √15 है। अगर बताओ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप मुझे बताओ। अगर मैं इसको 8 का जगह में अगर मैं लिखता हूँ 5 + 3 − √5 × √3, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। सब कुछ तो वही है, 5, 3, 8 हो जाएगा, −2√5 और √3 हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर आप किसी ना किसी का इसको स्क्वायर आप बना सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से अंडर रूट में, तो इसको आप कहीं ना कहीं √5 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, और ये आपका √3 का स्क्वायर कर दो, तो जाके ये आपका फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब आप खुद ही देख के मुझे बताओ, √5 का 5, √3 का 3 और फिर यहाँ पर −2√5 × और आपका √3। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आपका ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 √3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो अगर आप ये सब चीज समझते हो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज दे रखा है और ये आपका माइनस में है, तो सबसे पहले 1/5 है। अब मुझे बताओ अगर आपको डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी ये आपका 5 ऊपर आ गया। उसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 5 5। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां से 5 5 कट गया तो ये बच गया 5 3 ठो, फिर आपका माइनस में है। अब देखो यहां भी वैसे ही करेंगे, 1/4 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 चला जाएगा, यानी ये कट जाना है, तो ऊपर में क्या बचेगा, केवल 4 × 4 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 125 − 16 कितना हो जाएगा, 109, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहां पर आपको इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है रूट के अंदर में 5 है, फिर रूट के अंदर 5 है, और इस तरीके से आपका चलता जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। अब इसका मान आपको बताना है, तो देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, समझना, कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं है। यहां पास होगा क्या, आपको इसको क्या करना, इसको x मान लेना है, यानी मैं मान लेता हूं कि x = √5, उसके अंदर में √5, फिर उसके अंदर में √5, तो इसी तरीके से ये आगे चलता जा रहा है। क्लियर है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, x = मुझे बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, √5 और यहां पर x। आप पूछोगे कि मैंने x यहां पर क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लोगों ने x = क्या माना है, √5, फिर इसके मैंने ये वाले पूरे चीज को मैंने क्या माना, x माना है, तो देखो ना ये तो पूरा चलता जा रहा है ना, पूरा इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, तो यहां पर अगर ये अगर मैं एक तो लिख कर और बाकी को मैं x मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, क्योंकि यही तो मैंने माना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो बस अब आप यहां पर लेके आ गए। अब आप क्या करो, दोनों जगह स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी 5/x हो गया, x x कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये था बेसिक, अगर आप समझ रहे हो तो डायरेक्ट आंसर बता देते 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, बार वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पास देखो, पॉइंट के बाद डबल डिजिट, पॉइंट के बाद डबल डिजिट और पॉइंट के बाद डबल डिजिट, और पॉइंट के बाद दोनों डिजिट में बार लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको आराम से लिखना चाहूं तो ये किस तरीके से लिख देंगे, पॉइंट के बाद यानी 5 प्लस, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए, 99
बोलो ये सब आपको समझ आ रहा है कि नहीं? ये बेसिक चीज है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं बार को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या जाएगा, 5 + 36/99। अब ये क्या बोला, सभी का सम बोला यानी सभी को जोड़ आपको बोला है, यानी क्या हो जाएगा 12 + 84 और ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। उसी तरीका से ये आपका 28 + 78/99 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लो तो 12, 15, 28 कितना हो गया 17 और 28 45 हो गया प्लस। अब आप देखो ये तीनों का नीचे क्या 99 है, एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा 36, 84 और ये आपका 78। अब जोड़ देते हैं तो 8 4 8 4 12 6 18 ठीक है, फिर 7 8 15 15 3 18 और 1 19 यानी 198/99। तो कितने बार में कट रहा, दो बार में कट रहा यानी 45 + 2 = 47। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, पूरा स्टेप दिखा दिया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और मैं जितना देर में बना रहा हूं आप अगर चाहो तो उतना देर में आप भी बना सकते हो, ठीक है, तो समय आपको काफी मिल रहा है। अब यहां पर क्या बोला है, फिर से देखो आसान से बनाना, आराम से बनाना, कोई जल्दी नहीं है, बस सही बनाना, ठीक है। वरना क्या करते हैं कई लोग, जल्दी जल्दी में बनाते तो जल्दी जल्दी है मगर ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं मिलता है, ऐसा आपके साथ भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। तो इसलिए आराम से बनाओ, ऑप्शन मिलना चाहिए आपका। अब देखो पहले सबसे पहले पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको आगे कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान देते चलना बोर्ड मार्क्स को भी, तो 5 5 यहां से कट गया क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व करते हैं ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 यानी मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा 13/4, 4 3 12 और 13/4 और माइनस क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप देख सकते हो 4 3 12 और 13 3 39 और 8 तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 39 में से 8 जाएगा तो 31/12 हो गया, यानी ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके कितना आया मेरा 31/12। मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 31/12। अब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इससे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, 21 × 5 कितना होता है 105 और 106 हो गया, और 10 और 5 कैल्सियम कितना होता है 10 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 3 का 3 रह जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 106 का डबल कर दो क्योंकि 5 2 टाइम्स में है, तो 106 का डबल कितना हो जाएगा 212 यानी 212 215 हो गया, 215 मतलब आप 5 से काट सकते हो तो ये क्या हो गया 43 और नीचे क्या हो गया 2 हो गया, यानी इतना पार्ट सॉल्व करने से आपका 43/2 आया। यहां तक सबको क्लियर है? अब आप आगे यहां से सॉल्व करो तो यहां पर क्या है आपका, ये है आपका 13/3 + 1/5 और ये माइनस में है। अब आप चाहो तो यहाँ पर ऑप्शन का भी हेल्प लेते चलना, तो यहाँ पर देखो एलसीएम पहले ले लो, 5 3 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 यानी 130 प्लस 5 का पड़ा 6 बार में यानी 6 बार में माइनस। अब देखो 15 15 × 43 यानी 15 3 45 4 15 4 60 हो गया और यहाँ पर आपका 60 और 4 64 हो गया यानी 645 है। अब आप ध्यान से देखो ये 130 और ये 6 कितना होगा पॉजिटिव में, मगर यहाँ पर आपका नेगेटिव में है, यानी मेरा यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, यानी अब आपको आगे बनाने का जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अगर आपको ऑप्शन में कहीं और भी नेगेटिव रहता तो फिर आपको आगे हल्का चेक करना पड़ता। क्लियर, उम्मीद करता सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वैसे भी उसके आगे तो थोड़ा ही सा बचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताओ। यहां पर आपसे पूछा है ये प्रश्न के जगह पे कौन सा आपका वैल्यू आएगा। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, आप चाहो तो यहां पर जो भी टर्म्स दिया है आप उसको उसी के टर्म में चेंज कर लो या फिर आप बेसिक फंडा लगा के सॉल्व कर लो। क्लियर, आप जैसा चाहो सॉल्व करो। तो यहां देखो 3 के पावर में 4 है, तो 3 के पावर में 4 तो हम लोग जानते हैं वैल्यू कितना होता है 81 होता है, 81 × 2 के पावर में 6 कितना होता है 64 होता है। ये नीचे में क्या है 4 का पावर में 2 ये डिवाइड है, तो देखते रहना बोर्ड मास, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर और ये 7 का पावर में 1 है यानी 25 × 7 कितना हो गया 175 प्लस 1 यहां पर कितना हो जाएगा 125 × 2 के पावर में आपको यही बताना, यानी मैं x मान लेता हूं। अब इसको सॉल्व करो तो ये 4 बार में कट गया, अब इसको सॉल्व कर लो 4 8 6 32 यानी 324 हो गया यहाँ पास आपका, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो 175 और 176 तो यहां देखो 5 4 9 10 5 4 9 10 और 7 2 9 और 1 10 3 4 1 5 यानी 500 हो गया इतना को जोड़ने से, और यहां पर 125 है, 125 कितने बार में काट सकते हो 4 बार में काट दोगे यानी 4 = 2 2
एक्स हो गया, अब आप मुझे बताओ कंपेयर कर दो या फिर आप जैसे भी कर सकते हो, टू के पावर में टू, तो दोनों जगह बेस सेम, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, दो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सिंपल सा, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पर आपको इवेल्यूएट करना है, ठीक है, मतलब इसको फाइंड करना है। तो ये 35/2% ऑफ 800 ग्राम माइनस 45/2% का 400 ग्राम, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये परसेंट है, तो परसेंट को काटेंगे तो यहां से दो जीरो पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है परसेंट का मतलब ही होता है ये। तो 800 से तो आपका डबल जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो दोनों जगह में परसेंट को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहो तो इस तरीका से आपका ये नंबर बन चुका है। तो ये सब अगर आप नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। तो 2, 4, 140 हो गया माइनस 90 हो गया, यानी 50 ग्राम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा बेसिक, और मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 1/x^2 लिखता हूं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x को अगर ऊपर ले के ले जाओगे तो क्या होता है, ये प्लस वाला माइनस में हो जाता है। अगर यही चीज x^-2 रहा, तो अगर आप इसको लिखोगे ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाता है, x^2 हो जाता है। ये चीज पता है कि नहीं पता है, मैंने प्रीवियस वाले क्लास में ही आपको बताया था, ये चीज पता है ना। तो चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो वैसे ही देखो 5, 7 और 5, 7 है, तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 का माइनस हो जाएगा, यानी 5^-3 मल्टीप्लाई 7 का पावर में अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7/2। फिर यहां पर भी देखो 3 आपका ऊपर चला जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा, यानी 5 के पावर में -5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 के पावर में, देखो 7 के पावर में नीचे में माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 8 हो गया, और ये आपका -5/2। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट से खोलते तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हर नंबर में, तो यहाँ पर अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, यानी आपको ऊपर में क्या हो जाएगा, 21/2 मल्टीप्लाई 7 से 7^6 है तो काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 7×3 21 हो जाएगा, यानी 7^20 मल्टीप्लाई 5 के पावर में, फिर से देखो -5 है और ये 25 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी ध्यान देना, 25/2 हो गया, और ये आपका 7 के पावर में 8 है तो 4 बार में कट जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 5×20 हो गया, यानी -20 हो गया। बोलो यहां तक सबको क्लियर है, अब सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर नीचे में 7, ये 7 लिख दो ना, ये 7 आपका है तो 7^20 में 21 है और यहाँ -20 है, तो आपको पता होगा प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस माइनस होगा, तो 21 में से 20 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 7^1 में 1 हो गया। यहां पर अब ध्यान से देखो -21/2 है और ये +25/2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4/2, 4/2 मतलब 2, यानी 5^2 में 2, सॉल्व कर लो, 25, 25 × 7 175। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एक एक स्टेप दिखाऊं ताकि आपको समझ आएगा, अब आपको प्रैक्टिस करना है और एग्जाम हॉल में आपको अपना परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछा गया था द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप अगर आप इसको देखोगे तो किस तरीके से ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो ये 1/2 लिखा हुआ है, और ये 3 के पावर में क्या है, 1/6 लिखा हुआ है, 4 के पावर में क्या लिखा है, 1/3 लिखा हुआ है, और 5 के पावर में 1/4 लिखा हुआ है। बोलो ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखो यहां पर हम लोग करते क्या है, क्योंकि आपको ऐसे लिखा था तो आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो यहां पर आप क्या करो, इस तरीका से लिख लो पहले, इस तरीका से लिखने के बाद अब आप क्या करो, नीचे में क्या 2, 6, 3, 4, 2, 6, 3, 4, तीनों चारों का एलसीएम ले लो, तो चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो अब आप इसको 12 से सभी में गुना कर दो, यानी 12 से सभी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, एक एक ठो में करके दिखा दे रहा हूं, 12 से गुना करूंगा तो ये 6 बार में कट जा रहा, यानी 2 के पावर में 6 हो गया, 3 के पावर में फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 के पावर में आपका 3 हो जाएगा। अब तो आपको पता चल जाएगा ना कौन सा बड़ा वैल्यू है, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 4^4, क्योंकि 256 होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। और देखो ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके अलग तरीके से भी बनते हैं, जहां पर आपका वो जो आप मेथड आप सोच रहे हो ना वो मेथड आपका फ्लॉप हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका यही मेथड फिर बाद में काम आता है, तो इसलिए मैं आपको एवरग्रीन मेथड बता रहा हूँ। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। अब यहां पर आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी के पावर में ए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक छोटा सा कंडीशन दे रखा है, तो ए के पावर में बी, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां भी कंपेयर कर लो, ए के पावर में बी है और यहां पर सेवन के पावर में थ्री है, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया मेरा, ए का वैल्यू सेवन हो गया और बी का वैल्यू मेरा क्या हो गया, थ्री हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी के पावर में ए, ठीक है, बी के पावर में ए यानी तीन के पावर में सात। अब आप सॉल्व कर लो, अब यहां पर आप चाहो तो यूनिट डिजिट का भी हेल्प ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है थ्री का क्या साइक्लिसिटी होता है, थ्री का साइक्लिसिटी तीन नौ सात एक, तो तीन के पावर में सात है, यानी चार से जब आप भाग देते तो बचता कितना है, तीन बचता है, मतलब थ्री टाइम्स, तो तीन में कौन आ रहा, सात आ रहा, यानी यूनिट डिजिट हमेशा सात ही होगा। थ्री के पावर में अगर सेवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, सात होगा, जो कि आपको ऑप्शन में केवल एक ही दिख रहा है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करके बताओ। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताया कि किस तरीके से करते हैं, अब आप लोग मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आप ये चीज नहीं समझते तो फिर आप इसको करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, समय बस लग जाएगा। यहां पर वैसे ही तो यहां पर ए का वैल्यू क्या दे रखा है, देखो ए का वैल्यू जो भी दे रखा है क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 8 प्लस 2 रूट 15। अभी मैंने आपको बताया जब आप इसको बाहर निकालोगे, क्योंकि यहां से आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताओ, क्योंकि तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। अब ए का वैल्यू, अब यहाँ ये हो गया तो बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, केवल प्लस माइनस का फर्क है, यानी अंदर में क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं, रूट थ्री माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, बात समझ रहे हो, एक सेकंड, यहाँ पास आपका रूट थ्री प्लस रूट फाइव, देखो ये चीज में आप गलत हो जाता है, कभी-कभी ये चीज में गलत हो जाता है, यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, रूट फाइव प्लस रूट थ्री होगा, ठीक है, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री होगा, ये चीज गड़बड़ हो जाता है यहाँ पास, क्योंकि अब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए था, जब आप इसको जोड़ दोगे ना तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि प्लस करो रहे तो ये कट जाएगा, यानी टू रूट फाइव हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पांच और पांच चौके बीस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, वरना अगर आप थोड़ा सा ये कर देते, अगर टू रूट थ्री कर देते तो फिर आपका तीन तीन नौ और नौ और चार छत्तीस हो जाता, जो कि छत्तीस आपको ऑप्शन में भी दिख नहीं रहा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्वेश्चन देख लो, आपका x का मान आपसे पूछा है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देख लो नीचे में बेस आपका सेम है, तो नीचे में बेस सेम है और आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट में क्या करते हैं, प्लस करते चलते, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, और जहां भाग आए वहां पर माइनस करते हैं, तो नीचे जब आपका बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस जगह पे मल्टीप्लाई पहले कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू टू फोर हो गया, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस एक्स इंटू फोर, तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा। अब ये चीज को ध्यान से लिखना, ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं क्योंकि माइनस था, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू बता दो जल्दी से, तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चार में से दो जाएगा दो, अब यही दो माइनस वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा, क्योंकि x है, और ये माइनस वहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, यानी तीन से काट देंगे कितने बार में, तीन बार में, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं देता हूं, अब ये क्वेश्चन मुझे आप लोग बना के बताओ, देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है और मैंने सोच समझ के आपको दिया, ठीक है, नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से इसको बताऊंगा, मगर जो चीज मैंने आपको पहले बताया अगर वो चीज को आप समझो तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ मैं आज का यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ में एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप और आपका चैनल आपने मेरा ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर मैं कभी भी अगर लाइव होता हूं तो पहले वहां बता देता हूं साथ में, और कुछ भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन होता तो मैं वहां पर आपका शेयर कर देता हूं अपने चैनल पर, ठीक है, और आपका ग्रुप में आपका कोई भी डाउट होता है तो आप वहां पर क्वेश्चन अपना पोस्ट कर सकते हो, कोई ना कोई आपका सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है,
तो चलिए अब मैं आपका मिलता हूँ फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।